manner as a man as to maintain, alter or improve the performance of the soil as a road construction material. The changes in the soil properties are brought about either by the incorporation of additives or by mechanical blending of different soil types. Soil stabilization refers to the process of changing soil properties to improve strength and durability. There are many techniques for soil stabilization, including compaction, dewatering and by adding material to the soil. अब देखिए, मान लो किसी soil में की density बहुत कम है, ठीक है, density ही कम है सिर्फ, बाकी सब ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका compaction कर देंगे, consolidation हो जाएगा, जो भी करेंगे उसकी density बढ़ा देंगे ये compaction या consolidation से, ठीक है, और वो क्या हो गया हमारा स्टेबलाइजेशन हो गया. अगर मान लो उस सॉइल में पानी है बहुत ज़्यादा, तो हम उस सॉइल का क्या कर देंगे, डीवाटरिंग कर देंगे, पंप आउट कर देंगे पानी, सही हो गया. और अगर मान लो फिर भी सही नहीं है, तो हम उसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल मिला के उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. अब देखिए इसके पर्पज़ क्या हैं, क्यों करते हैं कि जो क्या है पर्पज़ ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन. ये थ्योरेटिकल पेपर के अंदर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन और प्लीज़ गिव इट अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन. टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ सब बेसिस, बेसिस एंड समटाइम्स सरफेस कोर्सेज इन केस ऑफ लो कॉस्ट रोड्स. लो कॉस्ट रोड्स का मतलब जैसे लो कॉस्ट रोड्स कौन से होती हैं, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं, VDR होती हैं विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं, तो उनके लिए सब बेसिस या बेसिस बनाते हैं, उनकी इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ. टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ रोड, टू मेक यूज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी इन लोकली अवेलेबल सॉइल्स मटेरियल्स, ठीक है. एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड रिक्वायर्ड और स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ इन लोकली अवेलेबल मटेरियल, एट दैट टाइम वी कैन गो फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड्स, ठीक है. अगर मान लो हम वही मैंने बताया था जब आपको कि हम बोरो नहीं कर सकते, बाहर से नहीं लेके आ सकते मटेरियल, तो मतलब मिट्टी नहीं लेके आ सकते, तो हम क्या करेंगे, उस सॉइल को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, ठीक है. टू इम्प्रूव सर्टेन अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सच एज एक्सेसिव स्वेलिंग और सिंकेज. अरे अगर मान लो स्वेलिंग या फिर सिंकेज है, एक्सेसिव हाई प्लास्टिसिटी है, डिफ़िकल्टी इन कॉम्पेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन करेंगे. टू फैसिलिटेट कॉम्पेक्शन एंड इंक्रीज लोड बेयरिंग कैपेसिटी. अगर सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम है, तो हम उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं. टू रिड्यूस कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर थोड़े से लोड पे ही जाके वो कंप्रेसिबल हो जाती है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ानी है अगर मान लो, तो करते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन. टू इम्प्रूव परमेबिलिटी करेक्टरिस्टिक. मान लो उसकी परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब परमेबिलिटी का मतलब जैसे आपको बताया था मैंने, ये पता होगा आपको, द ईज़ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है. तो यही होता है, ये सब करने के लिए हम सॉइल स्टेबलाइजेशन करते हैं. कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए सॉइल है और सॉइल के बाद स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं, दैट्स इट. अब स्टेबलाइजिंग एजेंट्स पे क्या क्या आता है, सीमेंट, लाइम, फ्लाइयर्स, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग्स. अब देखिए स्टेजेस क्या होती है सॉइल स्टेबलाइजेशन में, स्टेजेस क्या होती हैं, कैसे करते हैं. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इवेल्युएटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन सॉइल. सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सॉइल की प्रॉपर्टीज इवेल्युएट करेंगे कि आखिरकार उसकी अभी प्रॉपर्टी क्या है. मान लो अगर उसका स्वेलिंग सिंकेज सही है, ठीक है, मतलब लिमिट में है, लेकिन तो हम क्या करें, लेकिन उसकी डेंसिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉम्पेक्शन करना पड़ेगा. डिसाइडिंग द लैकिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड चूज इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन. कौन सी प्रॉपर्टी, फिर हम ये चेक करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी डिजायर्ड लिमिट से कम है, ठीक है, तो हम उसी लिमिट की उसी ही क्वालिटी को बढ़ाने के लिए काम करेंगे. डिजाइनिंग द स्टेबलाइजिंग सॉइल मिक्स फॉर इंटेंटेड स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी वैल्यूज, ठीक है. फिर अपन क्या करेंगे, हम देखेंगे कितनी मात्रा मिलानी है, कितनी क्वांटिटी मिलानी है, किसी भी कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाना है तो सबकी, ठीक है. अब देखिए डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, एक तो मैकेनिकल होती है, फिर एक केमिकल स्टेबलाइजेशन होता है. दो होते हैं, मैकेनिकल के अंदर क्या होता है मैंने आपको बताया था, कॉम्पेक्शन, एंड केमिकल के अंदर क्या होता है, जो भी मैंने बताया था, सीमेंट, फ्लाई ऐश, लाइम, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, इनको मिलाते हैं, बिटुमेन, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट्स, इन सबको मिला के हम
क्या कहते हैं, रेजिनियस मटेरियल मिलाते हैं, तो उससे क्या क्या होता है, केमिकल होता है. अब देखिए, मैकेनिकल सोइल स्टेबलाइजेशन. इन दिस टेक्निक द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज बाई ब्लेंडिंग द अवेलेबल सॉइल विद इम्पोर्टेड सॉइल और एग्रीगेट सो एज टू ऑब्टेन ए डिजायर्ड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाई कॉम्पैक्टिंग दिस मिक्सचर टू द डिजायर्ड डेंसिटी. कॉम्पैक्टिंग ए सॉइल एट एन अप्रोप्रिएट मॉइस्चर कंटेंट इज इट्सेल्फ ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन, नथिंग एल्स जस्ट कॉम्पैक्शन. कॉम्पैक्शन हम सॉइल में पहले पढ़ चुके हैं. कॉम्पैक्शन क्या होता है, द रिडक्शन इन वर्ल्ड रेशियो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल अप्लीकेशन. दैट्स इट. प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन, मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन इज अचीव्ड बाई इंटेलिजेंटली ब्लेंडिंग लोकली अक्यूरिंग मटेरियल सो एज टू ऑब्टेन ए डिजायर्ड ग्रेडिंग. कॉम्पैक्शन और सॉइल इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन. दैट्स इट. If well graded material is compacted, its densification of the mass takes place. The mechanical strength of mass is due to the internal friction and the cohesion. ठीक है, अब देखिए chemical stabilization. Under this category, soil stabilization depends mainly on chemical reaction between stabilizer, जैसे cementitious material and soil minerals, pozzolanic material, to achieve the desired effect. डिफरेंट टेक्निक ऑफ सॉइल स्टेबिलाइजेशन कौन से होते हैं, सॉइल लाइम मिक्सचर, सॉइल सीमेंट मिक्सचर, क्लोराइड स्टेबिलाइजेशन एंड स्टेबिलाइजेशन विद अदर केमिकल. सॉइल बिटुमिन स्टेबिलाइजेशन, द एडिशन ऑफ बिटुमिन बाइंडर टू ए सॉइल इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज कंसिडरेबली. देखिए क्या होता है, जो होता है बिटुमिन, बिटुमिन मतलब आपको बताया, जिस रोड बनाते हैं बिटुमिन, उससे क्या होता है, इफ़ द सॉइल लैक्स कोहेजन, अगर मान लो सॉइल के अंदर कोहेजन कम है, ठीक है, द बिटुमिन कोट्स द सोयल पार्टिकल बाइंड देम टुगेदर एंड सप्लाईज कोहेजन. देखिए एक ही पॉइंट लिखना है, बाइंड जो बिटुमिन है वो सॉइल को अगर कोहेजन नहीं है तो कोहेजन प्रोवाइड कराता है. बिटुमिन बीइंग ए वाटर प्रूफ मटेरियल द मिक्सचर बिकम्स लेस प्रोन टू द एडवर्स इफेक्ट कॉज बाय द इंग्रेंस ऑफ वाटर. वाटर प्रूफ भाई, बिटुमिन क्या है, वाटरप्रूफ मटेरियल है, वो पानी को ऊपर नहीं आने देगा. इफ़ विटामिन बाइंडर स्प्रेड ऑन ड्राई सरफेस ऑफ लो कॉस्ट रोड, इट प्रिवेंट डस्ट एंड स्टॉप द एंट्री ऑफ मॉइस्चर इनटू रोड. दैट्स इट. जो पहले ऊपर वाला पॉइंट लिखाया था, वाटरप्रूफ है बस, ठीक है. सॉइल सॉइल बिटुमिन, द फॉलोइंग आर द वेरियस बिटुमिन स्टेबिलाइजेशन, सैंड बिटुमिन, सॉइल बिटुमिन, सॉइल एग्रीगेट बिटुमिन, स्प्रिंग बिटुमिन ऑन अर्थ एंड ग्रेवल रोड. अब देखिए एडवांटेजेस क्या होते हैं सोइल बिट, देखिए एडवांटेजेस क्या होते हैं सोइल स्टेबिलाइजेशन के, इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल दस इंक्रीजिंग द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी. ये सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है. इट इज़ मोर इकोनॉमिकल बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एनर्जी टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल रेदर देन गोइंग फॉर डीप फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन. ठीक है, कॉस्ट एंड एनर्जी दोनों बचाता है. अगर मान लो अपने को ऊपर की सॉइल की स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, डीप फाउंडेशन के लिए जाएंगे. डीप फाउंडेशन जाएंगे तो वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल नहीं रहता. इससे अच्छा ये है कि हम ऊपर की सॉइल की ही स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो वो सॉइल स्टेबिलाइजेशन सही पड़ता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू द सॉइल इन स्लोप्स. स्लोप देखिए, जो स्लोप्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी फेलियर्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी सही रहता है. समटाइम्स सॉइल स्टेबिलाइजेशन इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन और फॉर्मेशन ऑफ डस्ट. ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है. सॉइल स्टेबिलाइजेशन इज ऑल्सो डन फॉर सॉइल वाटर प्रूफिंग. वाटर प्रूफिंग के लिए भी होता है, जैसे बिटुमिन के लिए बताया था. दिस प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एंटरिंग इन टू द सॉइल एंड हैंस हेल्प द सॉइल फ्रॉम लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द सॉइल वॉल्यूम चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट. स्टेबिलाइजेशन इम्प्रूव द वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, थैंक यू सो मच. यही है सॉइल स्टेबिलाइजेशन के बारे में.